लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के समीप अब कस्तूरबा गांधी आवासीय इंटर कॉलेज बन रहा है, जिसमें अनियमितता बरती जा रही है और निर्माण मानक विहीन हो रहा है, जिसकी शिकायत समाजवादी नेता सतीश यादव ने शिक्षा विभाग सहित जिलाधिकारी से किया है तथा निष्पक्ष जाँच की मांग किया है। समाजवादी नेता सतीश यादव ने बताया कि घटिया क्वालिटी के ईंट और मसाले से निर्माण कार्य चल रहा है, दीवार में पिलर या बीम कुछ भी नहीं है, AEJEE इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। विभाग से शिकायत करते हुए मांग किया कि किसी अन्य टीम के द्वारा जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, ग्राम सभा टुकलैया में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ इंटर कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। जो वहाँ के ठेकेदार हैं पूरी तरह काम रद्द करा रहे हैं, मानक के विपरीत काम किया जा रहा है। वहाँ ना पिलर है, बिना पिलर का कोई मकान अगर बनवाए तो क्या वो मकान चलने वाला है? वो तो वैसे ही उसकी न्यू, हमें लगता है 2-3 साल के अंदर पूरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। पूरी तरह से मानक के विपरीत काम किया जा रहा है और ठेकेदार और आला अधिकारी मिली भगत करके पूरा पैसा बचा के खा रहे हैं। और सरकार और आला अधिकारियों को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम इसकी शिकायत जब स्थानीय लोग हमसे कहे, इसकी शिकायत हम DM साहब को पोर्टल के माध्यम से किए हैं, ट्वीट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। और अगर DM साहब ध्यान नहीं देंगे तो हम उनसे जाके मिलेंगे और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन वहाँ अच्छे विद्यालय का निर्माण होगा, चूँकि क्षेत्रीय मामला है।